जैसलमेर से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पूनम स्टेडियम। बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस मुख्य कार्यक्रम शुरू। शाह दे रहे हैं परेड को सलामी। पूनम स्टेडियम हुआ हाउसफुल। बीएसएफ के जाबाज जवानों एवं अधिकारियों तथा शहीदों को मरणोपरांत पुलिस पदक एवं अन्य सम्मान से नवाजा गया। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जैसलमेर से नरेश सोनी तमाम अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रेरणा, इस वक्त जो है बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस कार्यक्रम पूनम स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। साथ ही जो है बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की परेड को सलामी दे रहे हैं। इसके बाद बीएसएफ के जवानों के कर्तव्य के कई कार्यक्रम जो है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कई झलकियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। बीएसएफ का यह स्थापना दिवस पहली बार दिल्ली से दूर भारत पाक सीमा के नजदीक सटे जैसलमेर मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है। जी प्रेरणा जी, नरेश वहाँ पर जी, कुछ खास तस्वीर क्या है? इस वक्त पूनम स्टेडियम खचाखच भरा है। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के जवानों, जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों एवं जैसलमेर की आम जनता के साथ इस वक्त जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। जी प्रेरणा जी, वहाँ पे ये पहली बार दिल्ली से बाहर पहली बार जैसलमेर में आयोजित हो रहा है, तो वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आम जनता का हुजूम उमड़ पड़ा है और जो स्टेडियम है उसमें जो परेड जो है इस वक्त होने वाली है उसको लेकर विभिन्न टुकड़ियां जो पूरे देश भर के सीमा सुरक्षा बल के अलग अलग बटालियन अलग अलग मुख्यालयों से यहां पर मौजूद है, उनकी रिहर्सल पहले भी हो चुकी है और आज जो है मुख्य कार्यक्रम जो 57वां स्थापना दिवस है उसको लेकर कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी और आज यह कार्यक्रम जो है वो अभी प्रारंभ हो चुका है और एक के बाद मिनट टू मिनट यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इसमें बीएसएफ के जवानों साथ ही महिला टुकड़ी जो है उनके कर्तव्य जो देखने को मिलेंगे, उसके साथ जो है बीएसएफ के डॉग स्क्वाड जो है उसके कार्यक्रम होंगे जो मुख्य आकर्षण होगा। जी प्रेरणा जी, राजेश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।